गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है फुटवेयर हॉल, जिसे मैंने अमेज़न से मंगाया है। और इसके साथ ही साथ आपको पीछे सुनने को मिलेगी बप्पा की आरती, जो कि इस समय चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर पास में ही पंडाल लगा हुआ है, जिसमें बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है। इस समय आरती हो रही है, तो आई थिंक आपको पूरे वीडियो में पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक के तरीके आपको सुनने मिलेगा। तो क्योंकि पूरे दिन म्यूज़िक बजता रहता है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है वीडियो बना पाना, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई कांट डू एनीथिंग फॉर इट। बट वीडियो बनाना ही था मुझे, इसलिए मैंने कोशिश की है थोड़ा सा। अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इनमें से कोई भी फुटवेयर के बारे में मुझसे कुछ भी रह जाता है, आई मीन जल्दी जल्दी में बोलने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं पूरी डिटेल्स आपको वहाँ पर दे दूँगी, या जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर मैं वहाँ दे दूँगी। तो दिखाते हैं कि आज के वीडियो में कौन से फुटवेयर हैं। जो हमारी फर्स्ट फुटवेयर है वो ये इस तरीके से मुझे मिली थी। आई मीन ये जो डब्बा है उसका कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बट स्टिल जो इसमें हील आई थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो ये है, जो हमारी फर्स्ट हील है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। इसका जो ये पार्ट है, वो ऊपर वाला जो पार्ट है वो वाइट कलर से है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो ब्राउन कलर से है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल थी। इसकी जो हील है वो 4 इंचेस की है, और ये जो पीछे ये लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके पैरों को, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका पैटर्न सिंपली ये है, और इसमें 4 यहाँ पर होल्स दिए हुए हैं, जिसमें आप अपने पैर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे फंसा सकते हैं। मेरे पैर का जो साइज़ है वो UK में 6 है, और वैसे 39 है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली आ गई थी। आई मीन जो साइज़ मेंशन था साइट पे, वही साइज़ मुझे रिसीव हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ये है, ये सॉफ्ट लेदर है, ब्राउन कलर का है, और इसका पीछे बैक साइड ये कुछ इस तरीके का दिखता है। कुछ हील्स में ये पीछे बहुत लगता है, बट इसमें मुझे नहीं लग रहा था। और आप इसे अपने साइज़ का ही खरीदें, बड़ा मत खरीदें, नहीं तो ये आपके पैर में पीछे लगेगा, तो वो अच्छा नहीं रहेगा, और आप कंफर्टेबली मूव नहीं कर पाएंगे। मेरे पैर आगे से थोड़े से ब्रॉड हैं, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। या तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो आगे का पार्ट कवर रहे मैं वही पहनूं, बट स्टिल मैंने ये जब पहना था तो मुझे पहनने में बहुत अच्छी लगी थी। तो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट फुटवेयर है वो मुझे कुछ इस तरीके से मिला था। वो डब्बे में नहीं आया था और मुझे ऐसे ही मिला था, तो वो ये है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इसका जो पैटर्न है ना, वो ये कुछ डेनिम लगा हुआ है, बट ये डेनिम नहीं है ऑब्वियसली, ये पैटर्न दिया हुआ है, और साइड में यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है। आपको डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स में मिल जाएगा, तो मुझे तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे परचेज़ किया है। अगेन ये 39 साइज़ में है, क्योंकि मेरे पैर का साइज़ 39 है, और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट अगर आप सॉक्स पहनते हैं, और अगर जैसे गर्मियों में कुछ गर्ल्स होती हैं सॉक्स पहनती है, तो अगर आप सॉक्स पहनेंगे तो ये यहाँ पर स्लिप होगा। पीछे का ये पार्ट जो है वो रबर का है, सॉफ्ट रबर है, वो स्लिप नहीं होगा, बट ये जो आगे का पार्ट है वो ज़रूर से स्लिप होगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, फिर आप वॉक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो मुझे एक प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि जो ये यहाँ पर जो फ्रंट वाला ये पार्ट है वो मेरे उंगलियों में लग रहा था, आगे की फिंगर्स में मुझे लग रहा था। आई थिंक ये न्यू है, इस वजह से मुझे लग रहा होगा, बट आई थिंक ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी आप चलेंगे तो आपके आगे की फिंगर्स पे ये लगेगा, तो वो मुझे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा। बट ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने इसे पहना तो मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल लग रहा था। अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो हमारी ये हील है। इससे पहले जो मैंने दिखाई थी वो भी कुछ इसी पैटर्न की थी, हील भी उसकी सेम यही थी, 4 इंचेस की, और आगे का पैटर्न भी यही था। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं पहनने में। ये थोड़ा सा क्रीम कलर की है और वो वाइट कलर की थी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सी लग रही है मेरे पैरों पे और देखने में और कंफर्टेबल, तो मैं ही बता सकती हूँ। बट दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, मुझे दोनों बहुत अच्छी लगी, कम्फर्ट में कोई कमी नहीं है। ये एंकल पे आएगा आपके, और यहाँ पर आप इसे ऐसे फंसा लीजिएगा, तरीके से ये फंस जाएगा यहाँ पे। जो इस टाइप की हील्स होती है, मुझे पेंसिल हील मैं नहीं पहन पाती हूँ, तो मैं बेसिकली मैंने कोशिश की थी कि कुछ इस टाइप की हील ले पाऊँ जिससे मैं ये चल सकूँ, और यहाँ पर फ्रंट पे थोड़ी सी हाइट मिल जाए, ताकि मेरा पैर यूँ ना हो जाए, यू नो, मतलब बिल्कुल इस टाइप से ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसे ख़रीदा। अगर आपको इनमें से कोई भी लेनी हो तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कि मुझे कौन सी इन दोनों में से रखनी चाहिए, आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर।
सो जो नेक्स्ट है वो ये है, ये शूज़ हैं और ये सुपर डुपर कंफर्टेबल हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जैसे ही मुझे रिसीव हुआ था मैंने इसे पहन के, मतलब मैं इसे पहन के बाहर गई थी, आप इसकी हालत देख सकते हैं, गंदे हो गए हैं थोड़ा, क्योंकि इस मौसम में इन्हें पहन के बाहर जाना मतलब लाइक जूतों का सत्यानाश करना, जो कि मैंने कर दिया है, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। और इसे पहनने के बाद शू बाइट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे पैर थोड़े से ब्रॉड हैं आगे और मुझे शू बाइट ज़रूर हो जाता है, तो मुझे नहीं हुआ। और ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है और ये इसका जो सोल है वो रबर का है, जो ऊपर का ये पार्ट है वो आर्टिफिशियल लेदर है। विंटर्स आने वाली हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे लेने के लिए, क्योंकि ये मेरे साइज़ का था और मुझे बिल्कुल फिट हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सच में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, मैं ऐवे ही नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज मैं आपको प्रूफ दे दिया मैंने कि मैं इसे पहन के बाहर गई थी, ये गंदे हो चुके हैं, बट स्टिल ये मेरा फेवरेट है शूज़ में। तो अगर अगर आपको इसका कलर चाहिए, आई थिंक ये ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे कंफर्टेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने जो भी हील्स वगैरह मंगाई है वो कंफर्टेबल सोच के मंगाई है कि आपके लिए कंफर्टेबल होगी, क्योंकि ये शूज़ भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो फ्लैट्स और हील्स दिखाएं वो भी बहुत कंफर्टेबल हैं पहनने के बाद। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको कंफर्ट चाहिए हो फुटवेयर के तौर पे, अगर आपको कंफर्ट चाहिए हो तो आप इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए हॉल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।